नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। युव रत्ना जो कि फाइनली अब हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है, मेकर्स ने हमारी सुन ली भाई। और स्पेशली कन्नन एनडीसी को तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जिस लेवल की मूवीज़ बना रहे हो ना, तो वो वाकई में डिजर्व करती है हिंदी में भी रिलीज़ होना। और जो अब हिंदी ऑडियंस है वो कन्नड़ा मूवीज़ भी देखने लगी है। पहले हिंदी ऑडियंस साउथ की मूवीज़ देखती थी और उसमें तमिल और तेलुगु ये दोनों ज़्यादा देखा करती थी, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया आफ्टर KGF, ये बात को तो हम लोग नकार नहीं सकते कि कन्नड़ा मूवीज़ को लोग बहुत ही ज़्यादा देखने लगे। और पिछले 2 सालों में जितनी हिट्स कन्नड़ा इंडस्ट्री में दी गई है, उतनी तो बॉलीवुड में भी नहीं है, क्योंकि कन्नड़ा एक ऐसी इंडस्ट्री थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो इस हिसाब से उनकी जितनी भी मूवीज़ आई है वो अच्छी है, यूनिक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट की आई है। और उसी में से एक है युव रत्ना, जिसको हमारे इंडिया के हर एक यूथ और उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए। एक मैसेजफुल मूवी है और इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू पहले भी कर चुका था जब ये कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, लेकिन अब इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसका हिंदी डब कैसा है। तो नो प्रॉब्लम, मुझे इसका हिंदी डब बहुत अच्छा लगा। सब कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी वॉइस दी है, सारी की सारी वॉइस सूटेबल भी लग रही थी। और मूवी कहीं से भी आपको ऐसी लगती नहीं कि एडिट की गई है, इनकी एकदम परफेक्ट है। और सॉन्ग्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डब किया है। मेरे हिसाब से तो मुझे डबिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो युव रत्ना, तो ये अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसमें हमें नज़र आते हैं लेजेंड पावर स्टार पुनीत राजकुमार सर और प्रकाश राज, ये दोनों बहुत ही आफत है इस मूवी में। तो यार बस इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी। और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।